हेलो, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक अनदर वीडियो। तो आज मैंने ये खूबसूरत सा अरेबिक हिजाब स्टाइल बनाया है, ये हेयर एक्सेसरी यूज़ कर। तो आपने वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक लाजमी देखना है, बहुत ही ईजी है। तो आपने वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना। लेट्स गेट स्टार्टेड द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम अपने स्कार्फ को इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। एक साइड पे हम ज्यादा रखेंगे, एक साइड पे हम कम रखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपकी इनर कैप बहुत ज्यादा अच्छी होनी चाहिए, अच्छी तरह से आपने इसको बनाया। अगर हमारी इनर कैप में अगर इनर कैप अच्छी बनी हुई है, इस तरह से इसको अच्छा सा आपने वॉल्यूम दिया हुआ है, तो फिर आपका जो हिजाब है वो बहुत ही खूबसूरत बनता है। लेकिन अगर आपने अपनी इनर कैप अच्छे से नहीं बनाई तो आपका हिजाब भी अच्छा नहीं लगेगा। तो आपने हिजाब करते वक्त इस बात का ख्याल ज़रूर रखना है कि जो आपकी हिजाब कैप है या इनर जो भी आप बना रहे हैं वो बहुत ही नीटली और अच्छे से बनाओ। एक साइड से हमने इतना से छोड़ दिया, एक साइड से हमने सारा ज़्यादा छोड़ दिया। यहाँ से हम इसको पिनअप कर लेंगे इस तरह से, इसको थोड़ा सा यहाँ से खींच के ऊपर करेंगे। ओके, तो आपने पिन लूज नहीं लगानी, पिन को थोड़ा टाइट करके लगाना है। ओके जी, ये हमने अपनी पिन लगा ली। तो यहाँ से इसको थोड़ा सा, थोड़ी लूज है, इसको थोड़ा टाइट करके लगाएंगे तो फिर आपका जो है हिजाब बहुत खूबसूरत बनेगा और हिलेगा भी नहीं। ओके, तो अब इसको हम यहाँ से यूं करके एक पिन लगा देंगे ताकि ये यहाँ से लेना, आपने यहाँ से पकड़ के इसको इस साइड पे पिन लगा देनी है। ओके, तो अब ये जो साइड है इसको हम यहाँ से फोल्ड करके इस तरह से इसको हम यहाँ पे लगाएंगे। पिन के साथ इसको यहाँ पे सिक्योर कर लें। एक पिन हम यहाँ पे लगाएंगे ताकि ये यहाँ से हिले ना। ओके जी, एक पिन हमने यहाँ पे लगा लिया और एक पिन हमने यहाँ पे लगा लिया। इसको थोड़ा सा यहाँ पे करके लगाते हैं। ओके जी, इसको मज़ीद खूबसूरती देने के लिए हम, आपके पास अगर कोई भी एक्सेसरी इस तरह की हेयर एक्सेसरी पड़ी हुई है तो आपने इसको दोनों साइडों से इस तरह से सेफ्टी पिन लगा के इसको यहाँ पे इस तरह से अच्छे से पिनअप कर लेना है। इसको इस तरह से हमने इसको यहाँ पे पिनअप कर लिया है। अब ये जो हमारी साइड है, हम इसको जो यहाँ से फोल्ड किया है ना, इसको हम यहाँ से खोल लेंगे। जब इसको खोल के हम इस तरह से इस साइड को लेके आएंगे तो फिर इसमें लेयर्स खुद ब खुद आ जाएंगे। इसको यहाँ से अच्छी तरह से आपने फोल्ड करना है और इसको यूँ ऊपर वाली साइड पर ले आना है सारे को। इसको यहाँ से हम थोड़ा सा टाइट कर लेते हैं ताकि ये ना बार बार हिले ना। फिर इसको हम यहाँ पे सिक्योर कर लेंगे। देखें पीछे से कितना खूबसूरत तरीके से आपका वॉल्यूम आ जाएगा। इसको आपने सारी साइड किस तरह से, अगर आप चाहते हैं ऐसे रखना तो आप इसको यूं पीछे छोड़ लें, अगर आप इसको पीछे छोड़ना नहीं चाहते तो इसको इस तरह से आगे करके
यहाँ से हम थोड़ा सा इसको करेंगे फोल्ड, फोल्ड करके इस तरह से, यहाँ पे लाके इसको, यहाँ पे हम इसको पिन के साथ सिक्योर कर लेंगे। इससे यह फिर आपका जो फ्रंट एरिया है वो सारा अच्छे से कवर हो जाएगा। जी तो ये था आज का हमारा हिजाब ट्यूटोरियल, आई होप कि आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अगर आपको कोई भी वीडियो या कोई भी स्टाइल बनवाना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि मैं उस पर ज़रूर वीडियो बनाऊँ। होप कि आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए।